CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला कविता मंजरी। मित्रों, कविता मंजरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि भगवती चरण वर्मा की एक कविता, दीवानों की हस्ती। तो आइए सुनते हैं ये कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस ओर चले मत ये पूछो, बस चलना है इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी उर पर ले, असफलता का भार चले। हम मान रहित अपमान रहित जी भर कर खुल कर खेल चुके, हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मित्रों, इस कविता को सुनकर आपके मन में भी कुछ लिखने की, चित्र बनाने की भावना अवश्य जगी होगी। तो क्यों ना आप भी उठाएं अपनी कलम और लिख डालें एक सुंदर सी कविता। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की एक कविता, दीवानों की हस्ती। ध्वनि अंकन बटिलेंग लिंगडो और शानू मुक्सीम। वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन। ध्वनि संपादन, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।